और बड़ी खबर महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ी हुई आ रही है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर विवाद गहरा गया। कांग्रेस और उद्धव गुट में विदर्भ की सीटों को लेकर दरअसल यहां पर विवाद बढ़ता जा रहा है। जहां एक तरफ कांग्रेस विदर्भ की एक भी सीट उद्धव गुट को नहीं देना चाहती है, तो वहीं शिवसेना 12 सीटों पर दावा कर रही है। आपको बता दें कि विदर्भ की 62 सीटें आती हैं इस रीजन से, क्षेत्र से, जिस पर अब विवाद बढ़ता जा रहा है। वहीं नासिक की 2 से 3 सीटों पर भी पेच फंसा हुआ है। मामले को सुलझाने के लिए अब शरद पवार का सहारा लिया गया है। शरद पवार को जिम्मेदारी दी गई है कि वो कांग्रेस और उद्धव गुट से बात करके इस मामले को सुलझाएं। और सूत्रों की माने तो मातोश्री में जयंत पाटिल और उद्धव ठाकरे के बीच बातचीत हुई, लेकिन इसका कोई नतीजा अभी तक नहीं निकला है। वह एनसीपी की 10 सीटों पर भी अभी पेच फंसा हुआ है। कल देर शाम कांग्रेस ईसी की बैठक हुई, लेकिन वो भी बेनतीजा रही। यानी कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के बीच में अभी सीटों के बंटवारे को लेकर के पेंच अभी फंसा हुआ, खास तौर पर विदर्भ की जो सीटें आती हैं, जहां पर कांग्रेस दावा कर रही है कि यहां पर ज्यादातर सीटों पर वही चुनाव लड़े। हमारे साथ अंकुर त्यागी हमारे संवाददाता इसमें जुड़ चुके हैं। अंकुर, कई बैठकें हो चुकी हैं लेकिन हल नहीं निकला, क्या विदर्भ की सीट शिवसेना उद्धव गुट को मिलेगी या नहीं मिलेगी? देखिए, अड़चन ही विदर्भ की सीट को लेकर आ रहा है। विदर्भ में अगर आप जो कांग्रेस के सोर्सेज से बात की जाए तो उनका साफ तौर पे कहना है कि हम जो हैं 62 सीटों पे अपना क्लेम कर रहे हैं। नाना पटोले विदर्भ से आते हैं और महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं और वो 62 की 62 सीटें अपने पास रखना चाहते हैं। जबकि शिवसेना का कहना है कि जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो अमरावती की सीट थी या फिर रामटेक जो कि नागपुर में आता है और एक और सीट थी, कुल 3 लोकसभा सीट जो हमारे पास थी वो हमने कांग्रेस के लिए छोड़ी थी गठबंधन का धर्म निभाते हुए। लेकिन अब जब यही गठबंधन का धर्म कांग्रेस को निभाना है तो अड़ियल रवैया अख्तियार कर रही है। नासिक की भी 2-3 सीटें हैं और इसके अलावा नाना पटोले का जो बात करने का लहजा है वो भी थोड़ा सा कहते हैं जो देसीपना उसमें बहुत ज्यादा है, तो अखड़ता अखड़ शब्द जो है वो कांग्रेस के नेता इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए। और यही वजह है कि अब जो बाला साहब थोराट हैं, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई है। आज सुबह बाला साहब थोराट सिल्वर ओक गए थे जहां पर शरद पवार के साथ उन्होंने मीटिंग करी। उसके बाद अभी थोड़ी देर पहले जब हम बात कर रहे हैं उससे थोड़ी देर पहले जो यही बाला साहब थोराट जो कांग्रेस के नेता हैं वो मातोश्री गए हैं उद्धव ठाकरे से मिलने और इस गठबंधन के लिए एक रूपरेखा तैयार करने के लिए। एनसीपी के सोर्सेस बात को क्लेम कर रहे हैं कि हमने 85 सीट्स पे क्लेम किया है, 76 सीट्स ऐसी हैं जो बिल्कुल क्लियर हो गई हैं, लेकिन 8 से 9 सीटें ऐसी हैं जिनको लेकर भी पेच फंसा हुआ है, जो उम्मीद है कि उनको जल्दी ही मिल जाएगा। इसके अलावा एकनाथ शिंदे गुट जो मैं यानी कि अभी बातचीत का दौर चलता रहेगा। शुक्रिया अंकुर।